सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसे कि आज का विषय है मजदूर, तो मजदूर का मैडम ने बहुत सब कुछ बता दिया कि मजदूर की भूमिका क्या है, कि वो सबके लिए आलिशान बंगले बनाता है लेकिन अपने लिए छत का जुगाड़ नहीं कर पाता है। बस एक सूट बूट वाला भी मजदूर होता है जो 8 घंटे काम करता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है, और एक जो मजदूर होता है कम वेतन वाला हमेशा जूझता ही रहता है, या वक्त का मारा हुआ होता है या बड़े लोगों का सताया हुआ होता है। लेकिन मजदूर की परिभाषा केवल हमें कम वेतन से सीमित नहीं रखनी चाहिए। एक मजदूर वो भी है जो साइकिल से शुरू करता है और हेलीकॉप्टर तक पहुंचता है। अंबानी जी की मैं बात कर रही हूँ, तो मजदूरी से ही उन्होंने शुरू किया था। रजनीकांत कंडक्टर से शुरू किए थे और फिल्म स्टार बन गए, कि उनके मुकाबले का कोई स्टार नहीं है, ये भी एक मजदूरी है। और अगर मैं धोनी जी की बात करूँ तो खड़क सिंह रेलवे स्टेशन पे 1000 रुपये का वेतन पाते थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो मजदूर एक सीमित शब्द नहीं है, उस बहुत बड़ा है। लेकिन जहाँ इनके हक मारे जाते हैं बस वहीं पर हम मजदूर दिवस मनाने लगते हैं। तो अपनी कविता की पंक्तियाँ आप तक पहुँचाती हूँ। मेहनत करने की आदत को, मेहनत करने की आदत को तुमसे ही तो सीखा है, मजदूर देश का कर्णधार ये बच्चा बच्चा चीखा है, ये बच्चा बच्चा चीखा है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत तुम ही बनाते हो, विकसित भारत के सपने को तुम ही पंख लगाते हो, हाँ तुम ही पंख लगाते हो। ईंट फावड़ा लिए हाथ में लबों पे बिखरी मुस्कान है, तपती धूप में काम करेंगे, सिकन का कोई निशान है। मजदूरों की खातिर ही हम मजदूर दिवस मनाते हैं, हक सारे मिल जाए इनको, मिलके बीड़ा उठाते हैं। और जैसा कि रीना जी हम जानते हैं कि मातृ दिवस भी आ रहा है, तो अगर आपका आदेश हो तो मैं मेरा आदेश की आप चिंता मत लीजिए। हाँ, तो एक कविता माँ को समर्पित करती हूँ। आज एक चलन चल पड़ा है कि कुछ लड़कों पर या कुछ पुत्रों पर ये आरोप लगने लगा है कि वो अपनी माँओं को वृद्धाश्रम भेज देते हैं और वो वृद्धाश्रम चली जाती है और उनकी कोई टेक केयर नहीं करता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, अच्छा और बुरा कलयुग में भी होता है, द्वापर युग में भी होता था और सतयुग में भी होता है। तो कुछ कुपुत्रों के कारण उन पुत्रों को बदनाम ना किया जाए, वो आज भी अपनी माँ के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है और पूरे भाव से उनके लिए काम कर रहे हैं। तो उन्हीं पुत्रों की गुहार मैं आप तक पहुँचाती हूँ कि वो बेटा अपने भाव माँ के लिए कैसे समर्पित करता है। सुनिएगा, भाग दौड़ के इस जीवन में बचपन पीछे रह जाता, तेरी गोद में सोने का सुखमा भूल कहाँ मैं पाता। मेरे बचपन की शैतानी थी तुझको बहुत सताती, नटखट रूप याद कर मेरा वो फिर मन ही मन मुस्काती। झगड़े मोल मेरी खातिर वो दुनिया से सारे लेती, ढांक मुझे अपने पल्लू में फिर मेरी बलैया लेती। बुरी निगाहें दुनिया की बिगाड़ भी कुछ ना पाती, काला टीका मैया जब माथे पर एक लगाती। जादू भरी दुआएं माँ की सदा साथ में रहती है, वार के चंद सिक्के मुझ पे माँ दुख सारे हर लेती है। और फिर उसके बाद अपने त्याग और संघर्ष से मेरे आज को तूने सवारा, वन पतवार मेरी नाव को बस माँ ने पार उतारा। बेलन करछी और कभी माँ थप्पड़ जड़े करारा, अपने न्यारे औजारों से माँ ने मुझे सुधारा। और मुझे लगता है यहाँ पे कोई वंचित नहीं होगा, सब ये औजारों को झेल चुके हैं। माँ ने मुझे सुधारा। लेकिन एक आरोप कब आता है, जब बच्चा कहता है कि माँ और बेटा बदल गया है। इस रोजी रोटी के चक्कर ने परदेश मुझे पहुँचाया, फिर इस दुनिया ने क्यों मुझको निष्ठुर बेटा बतलाया।
निष्ठुर बेटा बतलाया, क्यों दुनिया की नजरों में, क्यों दुनिया की नजरों में मैं बना हूँ एक खलनायक, संस्कार तेरे मैया मुझ में, मैं तेरा बेटा लायक, मैं तेरा बेटा लायक, माना वक्त की मजबूरी में, माना वक्त की मजबूरी में मैं दूर बहुत चल आया, राम कौशल्या प्रेम अमर वन वास से मिटना पाया, राम कौशल्या प्रेम अमर वन वास से मिटना पाया। राम का प्रेम क्या कौशल्या के लिए अलग होया था, जब वनवास के लिए कहते अगर बेटा दूर चला गया है तो भाव प्रदर्शित प्रेम प्रदर्शित वो वहाँ से भी बैठ के कर सकता है। तो आगे की पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ, कुछ कुपुत्रों की करतूतों से, कुछ कुपुत्रों की करतूतों ने बेटों को बदनाम किया है, मत भूलना संग साथ हुए हैं कंस और दुलारे श्याम, मत भूलना संग साथ हुए कंस और दुलारे श्याम, तुझसे सॉरी दिल से तुझसे दूर हुआ हूँ पर मैं, तुझसे दूर हुआ हूँ पर मैं दिल से दूर ना करना, सदा रहूंगा राम तेरा पर, संदेह मुझ पर ना करना, संदेह मुझ पर ना करना। धन्यवाद, त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ।